वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा पावर मोटर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा मोटर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन 4:30 पे क्लोजिंग दी थी। टाटा मोटर स्टॉक ने 2% अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। तो टाटा मोटर स्टॉक की बात की जाए तो मार्केट कैप भी देख सकते हैं 1,53,000 करोड़ के करीब है और तकरीबन 4:30 लेवल के ऊपर सेटल होता है टाटा मोटर स्टॉक, तो एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। पी रेशियो नहीं है, बुक वैल्यू 134 का है, डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा है, ROCE 1.51% की, रिटर्न ऑन इक्विटी है -22 की, फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है कर्जा है 1,46,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11,000 करोड़ का लॉस हो चुका है 2022 के साल में। EPS भी देख सकते हो -34 का है। सेल से 2,78,000 करोड़ के और टोटल एसेट से 3,30,000 करोड़ के। तो मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखे जाए टाटा मोटर्स में तो प्रो चीज़ें एक भी नहीं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, पर कौन से देखे जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 3.20 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो लो है और कंपनी ने पोअर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 3 सालों से 10.67% का है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टाटा मोटर्स स्टॉक के लिए।